हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमआरके स्टडी। जैसा कि देखिए, आपका एग्जामिनेशन आ चुका है बार का 2023 का। बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार किया है आप सभी लोगों ने। करीबन 3 4 5 महीने होने वाले हैं, ठीक है, उस एग्ज़ाम को। और मैंने उसका कोच भी लॉन्च किया था, आई थिंक 49 रुपीज़ में, जो कि आपका सभी का एक्सपायर हो चुका होगा। तो आप परेशान ना हो, मैंने इसका प्राइस बहुत कम कर रखा है, 29 रुपीज़ कर रखा है, ठीक है। इसमें अब मैं लास्ट टाइम पे कुछ इम्पॉर्टेंट वीडियोस, कुछ इम्पॉर्टेंट मैं इसमें पीडीएफ अपलोड करूँगा, ठीक है, जो आपकी काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेंगे एग्जामिनेशन के लिए। तो उसमें ना सेलेक्टेड सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो आपको काफ़ी, जैसे आप 40 क्वेश्चन आएगा ओनली, तो 40 क्वेश्चन के लिए मैं टॉपिक भी बताऊँगा उसके अंदर, और पीडीएफ भी सेंड करूँगा, वीडियोज़ भी डालूँगा, ठीक है। तो ये आप एग्जामिनेशन तक समझें कि एग्ज़ाम तुम्हारा अच्छे से हो जाए। स्टाइपेंड ट्रेनिंग कैटेगरी 1 और मैकेनिकल के लिए रहेगा ये, ठीक है। तो आप जाइए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए सबसे पहले जब जब आप खोलोगे ना, माई कोर्स में जाओगे, ठीक है, एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो यहाँ पे देखो ये लिखा है बार्क मैकेनिकल स्टाइपेंड ट्रेनिंग कैटेगरी 1। तो ये 29 रुपीज़ का है, 2023 का कोर्स है, ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट कोर्स है आपका। इसके बाद देखो, ये कोर्स मैं आगे के लिए डिज़ाइन कर रहा हूँ अभी, इसको तो इसको अभी मत लेना, ठीक है। मैकेनिकल बूस्ट है ये, अभी मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ, इसमें टाइम लगेगा, ठीक है। ये सबसे अच्छा कोर्स जाना जाएगा अभी बार, ठीक है। इसके बाद देखो आईटीआई वाले जो भी ले सकते हैं, 99 का कोर्स है, आईटीआई वाले अगर हैं तो फिटर वेल्डर सारी इसमें देखो, फिटर भी है, ग्राइंडर भी है, वेल्डर भी है, मशीनिस्ट भी है, डीजल मैकेनिक, ठीक है, ये है। अब मैं आपको एक बात बता दूँ, अब जैसे देखिए मैं मैकेनिकल बूस्ट में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक भी डाल रहा हूँ। जैसे मान लो कि मेरे यूट्यूब का आप फॉलो कर रहे हो, ठीक है, तो बार के इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे मान लो ऑल थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, जैसे बहुत सारे प्रोसेस हैं, कार्नोट साइकिल है, डीजल साइकिल, इसमें कौन कौन से प्रोसेस होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। एक वीडियो भी है इसके ऊपर, तो मैं पूरा वीडियो लिंक भेज दूंगा उसमें टेलीग्राम ग्रुप में भी, या फिर आपको क्या करना है, मैं ये वाली वीडियोज़ भी भेज दूंगा पूरा का पूरा आपको एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। ऑल थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, साइक्रोमेट्रिक चार्ट जो कि REC का है, रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग, ठीक है। इसके बाद देखिए मैं आपको बता दूँ, स्टैटन नंबर है, नसल नंबर है, पेडेंटन नंबर है, ये काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, किरचॉफ लॉ है, यूलर फार्मूला है, कॉलमनर स्ट्रट है, एंड कंडीशन है, ठीक है। एंड कंडीशन होती है ना, जैसे कॉलम एंड स्ट्रट पे एंड कंडीशन, ये क्या एंड कंडीशन, बेयरिंग टाइप है, टाइप ऑफ बेयरिंग आपको पता होना चाहिए, कौन सी बेयरिंग कहाँ यूज़ होती है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं इसमें, क्योंकि लास्ट टाइम पे भी आए थे। रेनॉल्ड्स नंबर है, फ्लूड मैकेनिक्स पे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, न्यूमेरिकल बन जाएगा, लेकिन वो क्वेश्चन कुछ REC से, हीट ट्रांसफर से ज़्यादा देगा, और वो देगा आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को आपको तैयार करना है। तो ये छोटी सी गाइडेंस है, जो आप जुड़े हुए हो तो आप जुड़ सकते हैं 29 रुपीज़ में, कोई दिक्कत नहीं है, एज़ यू विश, और बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जामिनेशन। आपके पास सिर्फ 15 से 16 दिन है लगभग, मेरे ख्याल से 15 दिन है, 18 तारीख का होगा एग्जामिनेशन आपका, ठीक है, किसी का कम हो सकता है, लेकिन 18 तारीख का एग्जामिनेशन अलग अलग स्टेट में। तो आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक है एग्जामिनेशन के लिए। आप वीडियो को लाइक करिएगा, और जल्दी से जल्दी आपको क्या करना है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके उस कोर्स को ले लेना है, जिससे मैं आपको सही गाइडेंस प्रोवाइड कर सकूं। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।